हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी सिंह। आज आप लोगों को बताऊंगा सप्ली का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो सप्ली का फॉर्म आपको बता दे, नीचे कैश काउंटर में जाइएगा, बोलिएगा सर जी मुझे सप्ली का फॉर्म चाहिए, तो सर वहां से येलो रंग का फॉर्म देंगे। येलो रंग का फॉर्म देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप लोग को मिलेगा। फॉर्म को लेने के बाद इसको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के लिए आपको एक नंबर में लिखना है आपका फुल नेम, जो कि ब्लॉक लेटर मतलब सब बड़ा अक्षर में लिखना है कैपिटल में। तो आपका फुल नेम लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा। अगर एड्रेस आपको पता नहीं है तो आपका रिजल्ट में दिया है वहाँ से छाप सकते हैं। फादर नेम आप अपना फादर नेम दे दीजिएगा, और गार्जियन नेम आपके घर में जो भी गार्जियन है उनका नाम दे दीजिएगा। फिर चार नंबर में देखिए, यहाँ पर फ़ोन नंबर बोला गया है, जो भी आप फ़ोन नंबर यूज करते हैं वो नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आइए पाँच नंबर में। पाँच नंबर में आपको देखिए यहाँ लिखा है ईयर, यहाँ पर जो सेमेस्टर में आपका सप्ली लगा है, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर वन, थ्री, फाइव, सिक्स, जो भी उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जो भी आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है लिख दीजिएगा। जैसे कि बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीए जनरल जो भी है लिख दीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आपका सप्ली लगा है वो सब्जेक्ट का कोड यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आइए छः नंबर में। छः नंबर में देखिए यहाँ लिखा है एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो भी है आपका बीकॉम, बीएससी, बीए जो भी है खड़े यहाँ वही लिखना है। उसके बाद आइए यहाँ सीजन, सीजन जो है आपके रिजल्ट में होगा 2022-23-24 जो भी है ऊपर में देख लीजिएगा, आप वहाँ से छाप दीजिएगा। उसके बाद देखिए ईयर एंड सेक्शन, यहाँ पर जो है आपका जो सेमेस्टर में आप सप्ली खाए हैं वो सेमेस्टर लिखना है। जैसे सेकेंड सेम हुआ, फोर्थ सेम हुआ, सेम फाइव हुआ, सेम थ्री जो भी है आप लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए रोल नंबर, आपको कॉलेज से एक रोल नंबर देता है, वो रोल नंबर दे दीजिएगा यहाँ। अगर आपको पता नहीं है तो आपको चलान में भी मिल जाएगा। उसके बाद आइए सात नंबर में। सात नंबर में आने के बाद यहाँ ईयर, तो जो सेमेस्टर में आपका सप्ली लगा है उसको यहाँ लिखना है। उसका सी रोल नंबर, सी रोल नंबर तो आपको पता ही है आपका एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सब्जेक्ट जो है यहाँ लिखा है रिजल्ट का साइड में, देखिए जितना भी सब्जेक्ट का कोड है मतलब पूरा ए टू जेड सब सब्जेक्ट का कोड यहाँ लिख दे रहा है। जैसे किसी का चार रहता है, किसी का पाँच, सब लिख रहा है। ये नहीं कि जिसमें फेल है तो उसी को लिखना है, नहीं, जिसमें पास है उसको भी लिखना है, जो फेल है उसको भी, पूरा सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ रिजल्ट में ना आपको लिखना है एन बाई ए, जैसे कि नोट एप्लीकेशन होता है ना वैसे एन बाई ए लिखना है। उसके बाद आइए आठ नंबर, आठ नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद आइए आठ नंबर, आठ नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो कि एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ से प्यारा सा एक सिग्नेचर दे दीजिएगा। देने के बाद उसके बाद आइएगा फेसबुक में। फेसबुक में आने के बाद पहला पेज खोल लीजिएगा। पहला पेज खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ पर नाम का ऑप्शन आएगा, यहाँ फुल नेम दे दीजिएगा, उसके बाद स्ट्रीम में दे दीजिएगा, जैसे आपका बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स जो भी, बीए ऑनर्स, बीए जनरल, बीएससी जनरल ऑनर्स जो भी है स्ट्रीम में आप लिख दीजिएगा। सीजन में देखिएगा जो सीजन में जमा दे रहे हों वो सीजन लिखेगा। जैसे अभी जमा दीजिएगा तो 2022-23 है, तो आप लोग 2022-23 कर दीजिएगा। ईयर में जो है आप जो सेमेस्टर का सप्ली का पेमेंट कर रहे हैं उसका लिखना है, जैसे फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम जो भी है लिखिएगा। और सेक्शन में याद रखिए, सेक्शन में यहाँ पर लिखना है सी ए एस ई, ठीक से देख लीजिए, सेक्शन में सी ए एस ई लिखना है। और रोल नंबर में कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इनरोलमेंट फीस, इनरोलमेंट फीस में जाना है, ऐसे एक लंबा दाग देना है, 300 रुपये लिखना है, एक लाइन पार देना है, टोटल में 300 बैठाना है। नीचे में आपका एक प्यारा सा ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। इसी तरह देखिएगा फेसबुक में चार पेज होता है, चारों में भर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद ये फेसबुक जो फिलअप किए हैं, सप्ली का फॉर्म जो फिलअप किए हैं, इसके साथ 300 रुपया और रिजल्ट का जीरोक्स, ओरिजिनल रिजल्ट का जीरोक्स, जहाँ से सप्ली का फॉर्म लिए थे मतलब नीचे केस काउंटर में जाकर जमा कर देना है, नीचे केस काउंटर में जमा कर देना है। जमा करने के बाद सब कुछ जमा ले लेंगे, इसमें से तीन पेज फाड़ के रख लेंगे, एक पेज आपको दे देंगे। इसके बाद आप लोगों को देखिए एक नोटिस आएगा इनरोलमेंट फॉर्म जमा करने का, तो वो नोटिस का जो वीडियो है मैंने इनरोलमेंट फॉर्म कैसे जमा होता है हम दूसरा वीडियो में बता देंगे। इनरोलमेंट फॉर्म जमा करने के बाद कॉलेज में जमा करना होगा, उसका चार्ज अलग है। आप लोगों को बता दें सप्ली जिसका जिसका लगता है उसको दो पेमेंट करना होता है, एक कॉलेज का कैजुअल फीस मैंने ये सप्ली का पेमेंट, और एक ये सीयू को पेमेंट करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आता तब भी कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो सप्ली का फॉर्म भरने में।